नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर्स में कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। दो तरीके की डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं? सामान्यतः ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR या करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आती है। ठीक है, इनके बारे में यदि हम अलग अलग बात करें, सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। ठीक, आपने देखा होगा इस तरीके से आपको लगा हुआ मिलेगा। ज़्यादा कुछ इस तरीके का ये कॉमन यूज़ में लिया जाता है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमारा कीबोर्ड है, जहाँ पर ये कुछ कीज़ लगी हुई हैं जिनको हम प्रेस करते हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग मैसेज कंप्यूटर को कन्वे हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर वर्क करता है। इस कीबोर्ड पर इसको हम मोटे रूप से चार भागों में बांट सकते हैं, इस पूरे कीबोर्ड को। देखिए, एक तो जो यहाँ से लेकर शुरू हुआ है और ये यहाँ तक गया है, ये एक हिस्सा है कीबोर्ड का। यहाँ पर कुछ कीज़ हैं, छोटी बड़ी। एक दूसरा हिस्सा ये है बीच का, यहाँ पर आपको सामान्यतया छः कीज ऊपर मिलेंगी और ये चार की नीचे मिलेंगी, 10 की। और एक तीसरा हिस्सा ये है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ये टोटल आप काउंट करें तो 17 की हैं, 3 और 4 12 13 14 15 16 और 17। तो ये 17 की है। ये 17 की का एक अलग से पार्ट है, कुछ कीबोर्ड में होता है और कुछ में नहीं होता है। इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड या कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड। लैपटॉप में भी आप देखेंगे तो कुछ लैपटॉप्स में आपको ये कीपैड मिलेगा जो बड़े हैं, लेकिन जो छोटे लैपटॉप होंगे उसमें ये न्यूमेरिक कीपैड आपको नहीं मिलेगा। इसमें कोई स्पेशल कीज नहीं है, यही 1 2 3 4 5 6 7 और जो कैरेक्टर्स और जो फंक्शंस इसके हैं वो सब यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर आने से कार्य करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, इसलिए ये यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। और एक चौथी ऊपर की जो पहली लाइन है, यहाँ पर कुछ स्पेशल फंक्शंस और होते हैं। तो टोटल चार तरीके से या चार भागों में हम इस कीबोर्ड को बटा हुआ मान सकते हैं। सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड ही है, जो सबसे कॉमन यूज किया जाता है, और इसको हम अपने डाटा को कंप्यूटर में इनपुट डाटा देने के काम में लेते हैं। कीज़ में आप देखें तो यहाँ पर आपको हर तरीके की की मिलेंगी, यानी A से लेके Z तक की कीज़ हैं, 0 से लेके 9 तक 1 2 3 4 कीज़ हैं, 1 2 3 4 कीज़ यहाँ पर भी हैं। कुछ यहाँ पर F1, F2, F3 इस तरीके से लिखी हुई हैं, जिनको हम फंक्शन कीज़ भी कहते हैं। तो कुछ कॉमन कीज़ जो हैं वो तो हैं A to Z और 0 to 9। ठीक है, इनको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं, जो कि टाइप करने के काम आती हैं। न्यूमेरिक कीपैड मैंने आपको बता दिया, 17 कीज होती हैं इसमें। एक फंक्शन कीज, ये F1 से लेके और F12 तक होती हैं। इसी में यहाँ पर
फंक्शन कीज होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो आप ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ना, यहाँ पर आपको फंक्शन कीज मिलेंगी। एक और तरीके का कीबोर्ड हो सकता है जहाँ पर इन फंक्शन कीज के अलावा ऊपर एक रो और मिल सकती है आपको कीपैड्स की या कीज की, जो कि सामान्यतया गेम्स में या साउंड सिस्टम में इसको यूज किया जाता है। तो जो कीपैड्स या कीबोर्ड गेम्स के पर्पज से लिए जाते हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, कुछ स्पेशल कीज और आ जाती हैं। तो कुछ फंक्शंस कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक, जिनको हम स्पेशल फंक्शंस या कार्य करने के काम में लेते हैं, ये हमारे फंक्शंस कीज कहलाती हैं, टॉप में होती है। और हर की का अपना एक यूनिक फंक्शन होता है, उसको दबाकर हम कोई एक विशेष कार्य संपादित कर सकते हैं, शॉर्टकट की इसको हम कह सकते हैं। कंट्रोल कीज होती हैं, इन कीज के अलावा कुछ इसमें कीज होती हैं, इसमें एरो की होती है, कट पेस्ट इंसर्ट होम एंड पेज अप पेज डाउन, इस तरीके से कई सारी कुछ इसमें कीज आपको और देखने को मिलेंगी। यदि आपके पास कीबोर्ड है तो उसका अध्ययन कीजिएगा, ये सारी कीज आपको वहां पर मिलेंगी। कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, इंटर शिफ्ट कैप्स लॉक नम लॉक स्पेस बार, इस तरीके से। ये यहां पर आप यदि पुनः देखें तो ये जो सबसे लंबी की होती है ये स्पेस बार कहलाती है। ये पूछा भी जाता है कि सबसे लंबी की कौन सी होती है, तो वो स्पेस बार की होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एस्केप की मिलेगी, कैप्स टैब्स की मिलेगी, कैप्स की है, शिफ्ट लॉक की है या शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, विंडो की है, यहाँ पर ये ALT की है, ये यहाँ पर चार एरो की है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कीज हमारे पास हैं, इनसे हम सामान्यतया सभी कार्य कर पाते हैं। दूसरी इनपुट डिवाइस है माउस, इसको भी बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, और आपने देखा होगा डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। एक तरीके से ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पॉइंटर चल रहा है, तो उस पॉइंटर को मूव करने के लिए हम इस डिवाइस को काम में लेते हैं, या कर्सर को मूव करने के काम में लेते हैं। ये देखिए आप, ये अलग अलग तरीके के आपको ये माउस देखने को मिल सकते हैं। सामान्यतः इसमें तीन बटन होते हैं, ये बीच में एक आप देखेंगे ये जैसे लगा हुआ है, ये स्क्रोल के लिए होता है, पेज अप डाउन करने के लिए, और एक राइट क्लिक होता है और एक लेफ्ट क्लिक होता है। इन तीन से सामान्यतया हम सारे कार्य कर पाते हैं। राइट क्लिक हम करते हैं तो कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, और लेफ्ट क्लिक करते हैं तो किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। तो सामान्यतया ये तीन बटन हमारे माउस में काम आते हैं, और यहाँ पर एक केबल में एक कनेक्टर होता है, इसको हम ये USB कनेक्टर कहते हैं, तो ये हमारे कंप्यूटर में लग जाता है और उसके साथ कनेक्ट हो पाता है। ये देखिए, ये कॉर्डलेस माउस है, इसमें कोई कॉर्ड नहीं है, ये कॉर्ड है, इसमें कोई कॉर्ड नहीं है, कॉर्डलेस माउस है। इसके साथ एक छोटी सी डिवाइस और आती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगती है, और उसके साथ ये कम्युनिकेट करता है बिना तार के। फंक्शंस वही होते हैं जो कि एक सामान्य तार वाले माउस के होते हैं। पुराने ज़माने में इनमें नीचे एक बॉल लगा करती थी, और वो जब हम इस माउस को सरकाते थे या मूव करते हैं तब वो बॉल मूव करती थी और उससे पॉइंटर मूव करता था। आजकल बॉल वाले माउस नहीं आते हैं, आजकल ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं सारी। तो इनके क्या एडवांटेज है, इजी टू यूज़ है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है, और कर्सर को तेज़ी से कहीं पर भी घुमाने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। जॉयस्टिक, ये गेम्स के पर्पस के लिए होती है। इसमें देखिए नीचे भी एक बॉल टाइप होती है, जैसे कारों में शिफ्ट गियर होता है उस तरीके से आप इसको आप मान लीजिए,
ये यहाँ से पकड़ के हम इसको आगे पीछे सब तरफ चारों डायरेक्शन में घुमाते हैं, नीचे बॉल होती है वो घूमती है और उसके करस्पॉन्डिंग वो जॉयस्टिक काम करती है। ये गेम्स में अधिक काम में ली जाती है या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में इसको हम काम में लेते हैं। लाइट पेन, पेन के रूप में ही होता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें आगे सेंसर लगा हुआ होता है और ये जब हम मॉनिटर पर या अपने स्क्रीन पर इसको टच करते हैं तब वो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन करता है। इसके अंदर फोटो सेल होता है, ऑप्टिकल डिवाइस है, तो इस टिप को जब हम मॉनिटर पर मूव करते हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग वो कार्य होते हैं। स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, सामान्य रूप से इस तरीके का स्कैनर आपने देखा होगा, ये फ्लैट बेड स्कैनर कहलाता है। यहाँ पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट इस कांच के ऊपर रखकर उसको स्कैन कर सकते हैं और उसकी वैसी ही इमेज हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलती है। तो एक जैसे फोटोकॉपी मशीन काम करती है उसी तरीके से ये स्कैनर भी काम करता है और इसको हम इनपुट डिवाइस के रूप में काम में ले सकते हैं या लेते हैं। एक डिजिटाइजर होता है, ये भी हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के काम में लाया जाता है, लेकिन सामान्यतः इसका प्रयोग हम कॉमन यूज में नहीं लेते हैं। माइक्रोफोन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जो भी हम बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में यानी ऑडियो इनपुट देने के लिए ये काम में लिया जाता है। ये तो कॉर्डलेस है, कॉर्ड के साथ भी लगा हुआ हो सकता है। मोबाइल सिस्टम्स में आप जैसे यूज़ करते हैं अपने हेडफोन को, उसी तरीके से इसको भी हम यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR, ये बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम में लिया जाने वाला एक डिवाइस है, जो चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं उनके नीचे सफ़ेद हिस्से में कुछ स्पेशल करेक्टर्स स्पेशल इंक से लिखे हुए होते हैं, उनको पहचानने के लिए इसको काम में लिया जाता है और उसी से पता लगता है कि वो चेक सही है, उस अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं है या फर्जी है। इसी तरीके से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR होता है, ये कैरेक्टर्स को पढ़कर उसको रिकॉग्नाइज करके और कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट के रूप में भेजता है और उसको आप चाहे तो स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं, तो वो हमारा OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहलाता है। कैरेक्टर से मतलब ABCD या 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हुआ, तो कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है। बार कोड रीडर या स्कैनर, ये आपने कई शॉपिंग मॉल्स में या अच्छी दुकानों पर देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये इस तरीके से एक बार कोड लगा हुआ होता है जो कि उस प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशंस को बताता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है और जानकारी देता है। उसको पढ़ने के लिए ये कोड रीडर, बार कोड रीडर प्रयोग में लाया जाता है। उसको वो क्लिक करते ही सारी जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है और उससे संबंधित उसकी प्राइस और उसकी बिलिंग करने के काम में ली जाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, एग्ज़ाम्स में हम लोग OMR शीट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर पेंसिल से या पेन से निशान लगाते हैं, तो उस निशान को पढ़ने के लिए कि वो निशान किस जगह पर लगा है, सही है या नहीं है, उसको पढ़ने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। जो शीट हम यूज़ करते हैं वो OMR शीट कहलाती है और उसके बाद वो एक सिस्टम में एक साथ डाली जाती हैं और जिस तरीके से फोटोकॉपी मशीन चलती है, कागज़ लेता है, उसी तरीके से ये एक एक करके शीट को लेती जाती है और उसमें जहाँ जहाँ पर निशान लगे हुए हैं उनको पढ़कर और उसके सही या गलत जवाब को वो साथ में बताती जाती है और कंप्यूटर पर उसका रिज़ल्ट बताती जाती है। तो ये सब कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि सामान्यतया काम में ली जाती है।
नेक्स्ट पार्ट में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे।